जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सीताफल। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए आपको एक कुकर के अंदर तेल गर्म कर लीजिए या देसी घी कर लीजिए, मैंने देसी घी यूज़ किया है। इसके अंदर हमने दो चुटकी हींग डाली है, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो इसके अंदर हम डालेंगे जीरा, जीरे को अच्छी तरह से आप हिलाएंगे, पकाएंगे, इसको अच्छी तरह से आपने पकाना है। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है फ्रेंड्स, उसको आप ज्वाइन कीजिए। इसके अंदर हम डालेंगे एक कटा हुआ प्याज, मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाला है। इसको लाइट ब्राउन होने तक हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। टमाटर को मैं अच्छी तरह से पील किया है, उसके बाद एक टमाटर मैंने डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। इसके अंदर मैंने स्वाद अनुसार डाल दिया है नमक, हल्दी डाली है। अब आधा कप पानी मिलाएंगे इसके अंदर और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, हिलाएंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसको ढक करके पकाएंगे। इसको दो तीन बार हमने ढक करके पकाना है फ्रेंड्स। नीचे कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड्स, मेरे को आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। इसको आप ढक के पकाने के बाद इसको ढक्कन खोलिए, फिर इसको एक बार हिलाइए। इसके अंदर हमने सीताफल, काशीफल जो है जिसे हम कहा जाता है, ये हमने डाल दिया है काट करके। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसको हिलाएंगे। अब हम कुकर का ढक्कन कर देंगे बंद। उससे पहले इसके अंदर एक कप हमने पानी ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। उसके बाद हम इसको हिला करके कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। इससे 4 से 5 सीटियाँ बजाइए, फिर हमारा काशीफल तैयार है। इसको प्लेट के अंदर सर्व करके धनिया से गार्निश कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। थैंक यू। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब।